नमस्कार, मैं अनुप्रिया। एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। ठाणे बेलापुर क्षेत्र में ट्रक टर्मिनल न होने के वजह से माल वाहतुक करने वाले अवजड़ वाहन सड़क के किनारे खड़े रहने का प्रमाण बढ़ा है। ठाणे बेलापुर क्षेत्र में औद्योगिकरण बड़े तेजी से बढ़ रहा है। इन उद्योगों के माल वाहतुक करने वाले अवजड़ वाहन सड़क के किनारे खड़े करने का प्रमाण बढ़ा है। इससे दुर्घटनाओं का प्रमाण बढ़ा है और यह समस्या दिन ब दिन गंभीर बनती जा रही है। ठाणे बेलापुर क्षेत्र में ट्रक टर्मिनल न होने के वजह से यह समस्या निर्माण हो रही है। इन वाहनों पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती, इससे नागरिक परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। गणपति बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या, इस जय घोष में नई मुंबई में अनंत चतुर्थी के दिन 10 दिन के गणपति बाप्पा का विसर्जन किया गया। गणपति बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या, इस जय घोष में नई मुंबई में अनंत चतुर्थी के दिन 10 दिन के गणपति बाप्पा का विसर्जन किया गया। नई मुंबई के 33 विसर्जन स्थलों पर अच्छी व्यवस्था की वजह से और भाविकों की भीड़ होने वाले 10 विसर्जन स्थलों पर सीसीटीवी यंत्रणा की वजह से शांततापूर्ण और निर्विघ्न पूर्ण वातावरण में गणेश जी का विसर्जन किया गया। नई मुंबई में 526 सार्वजनिक और 8253 घरगुती गणेश जी का, ऐसे कुल 8779 श्री गणेश मूर्ति का विसर्जन अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। महापालिका के परिवहन उपक्रम का घाटा दिन ब दिन बढ़ रहा है। महानगर पालिका परिवहन उपक्रम का घाटा दिन ब दिन बढ़ रहा है। अवैध यात्री वाहतूक और गड्ढों की वजह से परिवहन को बड़ा घाटा हो रहा है। हर महीने में लगभग 3 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से नवी मुंबई परिवहन उपक्रम सेवा शुरू की गई है। नवी मुंबई शहर के साथ मुंबई, थाने, कल्याण, डोंबेवली, बदलापुर, पनवेल, उरन, इन क्षेत्रों में नवी मुंबई की परिवहन उपक्रम सेवा दे रही है। यात्रियों को सुविधा देने वाली नवी मुंबई परिवहन उपक्रम पिछले कई सालों से घाटों में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। दिन ब दिन सड़क पर आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। दिन ब दिन सड़क पर आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। कुत्ते काटने के बाद महानगर पालिका के तरफ से बिना शुल्क रेबीज का लसीकरण किया जा रहा है, लेकिन महानगर पालिका के दीघा, एरोली, घनसोली, कोपरखैने, वासी, तुरबे, नेरुल और बेलापुर, ये 8 विभाग में हर नागरिक आरोग्य केंद्र में लसीकरण की सुविधा न होने से कुत्ते काटने वाले मरीजों की घर से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। मुंबई के भागदौड़ भरे जीवन में खुले मैदान, उद्यान, बाग बगीचे, यही मुंबईकरों के विरंगुड़ा केंद्र है। मुंबई के भागदौड़ भरे जीवन में खुले मैदान, उद्यान, बाग बगीचे, यही मुंबई करों के विरंगुड़ा केंद्र है। यह सार्वजनिक जगह खुली रहने के हर एक के समय अलग अलग है, तो कई कई उद्यान, बाग बगीचे शाम को जल्दी बंद हो जाते हैं। समय के पाबंदी की वजह से नागरिकों को कभी कभी अपनी इच्छा के अनुसार उद्यानों में जाने आने को नहीं मिलता, इसलिए अब पालिका प्रशासन ने यह उद्यानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक हर रोज 12 घंटे खुले रखने का निर्णय लिया है। इसी के साथ यह उद्यान सार्वजनिक छुट्टी के दिन और रविवार के दिन भी खुले रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।